जब भी आप अस्थमा के लिए कोई भी मेडिसिन लेते हो, चाहे वो एक एंटी हिस्टामिन हो, चाहे वो एंटी एलर्जिक हो, चाहे वो एक स्टीरॉइड बेस्ड हो, उसका कोई उद्देश्य होता है। मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन विच आर गिवन इन एस्थमा आर गिवन टू रिड्यूस योर सिम्टम्स जब आपको अटैक होता है, एस्थमा का अटैक होता है, अटैक का मतलब ब्रोंकोस्पाज़म हो जाता है, सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं, तो उसको रिलैक्स करने के लिए, या उस बार बार ना सिकुड़े तो उस सिकुड़ने को या उस एस्थमेटिक स्पाज़म को करने वाली जो चीज़ें हैं उनको उनको इनिबिट किया जाता है, जो साइटोकाइंस हैं, जो हिस्टामिन्स हैं, तो एंटी हिस्टामिन दिया जाता है आपको। सो एंटी हिस्टामिन लेने से अस्थमा आना बंद नहीं हो जाएगा। अस्थमा इज अ ओवर सेंसिटिविटी टुवर्ड सम इरिटेंट। सो अगर आपको इरिटेशन है डस्ट से, तो डस्ट हटानी पड़ेगी, वरना जिंदगी भर मोन्टेर एलसी या मोन्टेर एलडी जो भी आप ले रहे हो एंटी हिस्टामिन, वो लेना पड़ेगा, वरना जिंदगी भर ये लेते रहना पड़ेगा। इसके इसके जब कभी फिर आगे चल के ये भी हो सकता है कि वो काम करनी कम कर दे। सो यू हैव टू फाइंड आउट योर ट्रिगर्स। ट्रिगर्स जाने बगैर ये नहीं बोला जा सकता कि अस्थमा की दवा कब तक चलेगी। स्टीरॉयड इन्हेलर्स जो हैं, जो ब्यूटेसोनाइड, फॉर्मेटरॉल, ये सारे जो इन्हेलर्स आपके पास हैं, वो स्टीरॉयड इन्हेलर ज़रूर प्रिवेंट करते हैं कि ट्रिगर्स ना हो आपके इम्यून सिस्टम में, जो ट्रिगर होते हैं वो ना हो, बट दैट इज ऑल्सो नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। द परमानेंट सोल्यूशन इज टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रिगर्स। ओके,